मध्य प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हमीरपुर जिला हुआ कोरोना मुक्त, लगातार 7 दिनों से नहीं आया कोई नया मामला। जिला हमीरपुर में गत 26 अप्रैल से कोई भी नया कोविड संक्रमण का मामला सामने नहीं आया और पिछले कल ही होम आइसोलेशन में रह रहे 4 मरीजों के स्वास्थ्य होने से जिला हमीरपुर कोरोना मुक्त हो गया है। हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जिला प्रशासन व आम जनता के सहयोग से जिला कोरोना फ्री हो गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार के द्वारा दिए गए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूर्व की तरह जारी रखकर हमीरपुर को कोरोना फ्री बनाए रखने में सहयोग करें। वहीं डॉक्टर अग्निहोत्री ने लोगों से कोरोना बूस्टर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए समयावधि पूरा होने के बाद टीकाकरण करने की अपील की। सीएम जयराम बोले, गिरिपार को हर हाल में मिलेगा जनजातीय दर्जा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जा हर हाल में मिलेगा। क्षेत्र के 3 लाख लोगों की आवाज दिल्ली पहुंचा दी गई है, लोगों की मांग पर जल्दी मोहर लगेगी। गुरुवार को हरिपुरधार में मां भंगाइनी मेले के समापन समारोह के दौरान जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल मैदानी इलाका नहीं, यहां पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांसें फूल जाती हैं, लिहाजा पहाड़ चढ़ना आपके बस में नहीं। जीओए परीक्षा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़ा गया था युवक, आयोग की शिकायत पर मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश स्टाफ कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित जेओए परीक्षा में अपराधिकृत सामग्री बरामद करने को लेकर एक युवक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी युवक की पहचान शुभम डोगरा निवासी गांव वाहल जांखर मलांगढ़ तहसील बंगाड़ा जिला ऊना के रूप में हुई। इसकी पुष्टि जिले के SP अर्जित सेन ठाकुर ने की। शिमला जिले में बड़ा सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी गाड़ी, एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहड़ू के छुपाड़ी में बुधवार देर रात एक ही कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। चारों लोग शादी समारोह से वापस अपने गांव भोलाड़ आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। DSP रोहड़ू चमन लाल ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात हुआ। प्रतिभा सिंह बोली, उपचुनाव की तर्ज पर विधानसभा में भी हरानी है भाजपा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को चौड़ा मैदान में आयोजित रैली से चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की तर्ज पर विधानसभा में भी भाजपा को हराना है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से अभी से फील्ड में डट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि तब तक चैन से नहीं सोना है जब तक पार्टी को सत्ता में न ले आए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश भर में एकमात्र हिमाचल में ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। चलती बस के निकले दोनों टायर, परिचालक की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा चल गया। एक निजी बस के पिछले दोनों टायर बाहर निकल गए। गनीमत रही कि परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बस को रुकवा दिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जानकारी के अनुसार निजी बस सोलन मिनस मार्ग पर कुपवी से शिमला जा रही थी। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने ली हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में हुए एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी उपस्थित थे। समारोह राजभवन के दरबार हाल में हुआ। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। प्रदेश के कई भागों में 3 दिन खराब रहेगा मौसम। ऊना में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 से 7 मई तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 8 व 9 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कांग्रेस सचिव पर SC ST एक्ट में केस, प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सचिव और धर्मपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि उपमंडल निवासी जौंकी राम, बसंत सिंह और जीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 2 मई को मंडल कांग्रेस ने धर्मपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन किया। इसमें कांग्रेस नेता ने अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली जातियों को उनके उपनाम से संबोधित कर उनका अपमान किया। लाहौल स्पीति में दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में हर रोज औसतन 3 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। ताजा मामला जनजातीय जिले लाहौल स्पीति का है। लाहौल घाटी में बुधवार देर रात एक कार के टोजिंग नाले में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली ही नहीं, जयपुर, नागपुर और बिलासपुर से चलती है जयराम सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार दिल्ली ही नहीं, जयपुर, नागपुर और बिलासपुर से चलती है। चौड़ा मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुकेश ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मंच से माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन और पेड़ माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। 6 माह बाद पर्यटकों के लिए खुला, बर्फ से लकदक रोहतांग दर्रा, रोजाना जा सकेंगे 1200 वाहन। 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियां पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। अब पर्यटक न केवल दर्रे में बर्फ के बीच अटखेलियां कर सकेंगे बल्कि 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवार के बीच खुली सड़क में रोमांच का सफर भी कर पाएंगे। सड़क के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अरुण शर्मा, इंचक महामंत्री संजय शर्मा आप में शामिल। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अरुण शर्मा और इंचक के महामंत्री संजय शर्मा ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों ने दिल्ली में आप के प्रदेश चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन और सह प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। किसान नेता और पीसीसी सचिव रहे अनिंदर सिंह के कांग्रेस को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। बीसीए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीसीए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 11 मई से विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी और सरकारी संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में तय शेड्यूल के अनुसार होंगी। परीक्षा का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों को तैयारियां करने के निर्देश पहले से ही जारी कर दिए हैं। हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट्स लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसके लिए चलो बूथ की ओर चलो जीत की ओर कार्यक्रम शुरू किया गया। ये बात नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पांवटा साहिब के भाटिया पैलेस में एससी मोर्चा सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में 5 विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इससे पहले गुरु की नगरी पांवटा साहिब में पहुंचने पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।